जिससे पूछेंगे वही बताएगा, तुमसे पूछेंगे तो तुम बताना। हेलो। बैठ जाओ। जो पढ़ाई होगा वो ध्यान रखोगी ना? क्या पढ़ाई हुआ है तुम बताओगी ना? ऐसे कैसे पढ़ाई होगा? विषय पूछो उसे मैं नहीं बता रही थी, उसका कॉपी देके बता रही हूँ। तुम हम नोट्स बनवाएंगे। क्लास लेके गए थे, क्लास खत्म करने के बाद गए थे, तो ऐसा पढ़ाई लिखाई करोगी तो यही ना होगा। क्या होगा तो पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था याद नहीं तुमको, लेकिन बात करने में एकदम लगी हुई हो बात करने में। गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून। यह माइक हम करेंगे ना, हम देखेंगे, तुम भी मत बोलो। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जो बेसिक कमांड है वो सारा कमांड हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या देखे? अपेंड देख लिए, एडिट या चेंज देख लिए, डिस्प्ले डिस्प्ले ऑल और लिस्ट और ब्राउज, ये सारा देख लिए। इसके बाद हम लोग देखे थे फिल्स क्लाउज एंड फॉर क्लाउज, फिल्स क्लाउज एंड फॉर क्लाउज। और फिल्स क्लाउज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेमो फील्ड को अगर देखना हो तो उसके लिए हमको फिल्ड्स का यूज करना पड़ता है, ऐसे फॉक्सट्रॉट में लिस्ट यूज करने से हमको मेमो फील्ड का डेटा शो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि अगर ब्राउज में खोल रहे हैं या फिर लिस्ट में भी, तो हमको कैपिटल एम से मेमो मिलेगा और स्मॉल एम से मेमो मिलेगा, दोनों का डिफरेंस क्या है? ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में कि कैपिटल एम वाला मेमो और स्मॉल एम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेमो एंड दैट मेमो। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। उसके आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छा तुम लोग को फॉर क्लॉज समझ में आया ना? बैच टू स्पेशली, ओके। बैच टू कौन है? बैच टू का हाथ उठाओ। बैच सर टू के हो? सर एक चीज बताओ, अगर हमको एक डेटाबेस में से सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को देखना है जिनका मार्क्स मेरा, जिनका मार्क्स 80% से ज्यादा है और अटेंडेंस भी, अटेंडेंस 90% से ज्यादा है, और हमारे डेटाबेस में दोनों कॉलम अटेंडेंस और मार्क्स का, टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स और अटेंडेंस, तो हमको सिर्फ उन रिकॉर्ड को देखना है जिनमें, जिसका अटेंडेंस 90% से ज्यादा है और टोटल मार्क्स 80% ज्यादा है। कैसे लिखेंगे हम कमांड, लिस्ट कमांड कैसे लिखेंगे? सर हम बताएं सर। लिखो जो होगा वो नहीं, तुम बताओ क्या टाइप करोगे। एग्जामिनेशन में ऐसा ही बात कर, जो लिखना होगा लिख देंगे, ऐसा नहीं ना कि डायरेक्टली वो कमांड बता देना है तुमको क्या लिखेंगे। हाँ सर हम बताएं सर। सर तू बताओ। हम बताएं। जैसे एक डेटाबेस है ना, उसमें ढेर सारे रिकॉर्ड है,
उसमें रोल नंबर नेम वगैरह बहुत सारा फील्ड होगा। दो फील्ड इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग कंडीशन लगाएंगे, एक है अटेंडेंस, एक दूसरा है टोटल मार्क्स। दो परसेंटेज में है दोनों डेटा, दोनों डेटा परसेंटेज में दिया गया है। हमको उस रिकॉर्ड को देखना है जिसके टोटल मार्क्स में मोर देन 80%, ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, और अटेंडेंस में ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। वैसा बच्चा जिसका अटेंडेंस 90 या उससे ऊपर हो, और साथ में जिसका टोटल मार्क्स 80% या उससे अबव हो, सिर्फ उस रिकॉर्ड को देखना है। तो कैसे लिखेंगे लिस्ट का ब्राउज, स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, हमको क्या पता कौन स्टूडेंट आया है। सर बताओ सर, ईयरफोन नहीं लगाए हैं, तुम्हारी आवाज नहीं जा रही उन तक। ये बात नहीं है यार, हम लोग कुछ और भी बोल, बताओ फील्ड क्यों लगा यहाँ पे। हम तो फील्ड फिल्टर करने के लिए बोले नहीं है, फॉर क्लॉज तुम लगाए नहीं जो लगाना था। यस अर्पित कुमार बोलो। बताए सर हम, हाँ बताओ ना, लिस्ट ऑल रिकॉर्ड्स ग्रेटर देन 18% डॉट एंड डॉट, के साथ ऑल स्कोप नहीं लगाते हैं, लिस्ट ऑल बाय डिफॉल्ट ऑल के लिए ही है वो लिस्ट। यस सर, और ग्रेटर देन 18% और डॉट एंड डॉट, लिस्ट के बाद क्या बोले, लिस्ट रिकॉर्ड्स नहीं, ग्रेटर नहीं। अच्छा देखो, अभी भी तुम लोगों का कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ। हम अभी फील्ड फिल्टर करने की बात कर रहे हैं या रिकॉर्ड फिल्टर करने की। फील्ड आते हैं समझ में आ रहा है, तो हमको फील्ड फिल्टर करना है, मतलब जितना फील्ड है उसमें से फील्ड को चुनना है या जितना रिकॉर्ड उससे रिकॉर्ड को चुनना है, बताओ। रिकॉर्ड को चुनना है, तो रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए कौन सा क्लाउज, फॉर क्लाउज। फॉर क्लाउज का जो सिंटेक्स है क्या है, फॉर के बाद फील्ड नेम, एक ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर और वैल्यू, वो कंडीशन होगा, उस कंडीशन के आधार पे हम रिकॉर्ड को फिल्टर करेंगे। एक से ज्यादा कंडीशन होगा तो एंड से उसको कनेक्ट करेंगे। एंड कैसे लिखते हैं, सिंपल एंड नहीं, डॉट एंड डॉट ऐसा लिखेंगे। भूल गए तुम लोग, ये पता था तो यही नहीं पूछे थे। फील्ड, तुम तो फील्ड क्लॉज भी तुम लोग नहीं बोले, वो तो फील्ड क्लॉज बोला भी, फील्ड क्लॉज नाम है फील्ड तो फील्ड के लिए है। अगर हम तुमको बोले कि चार फील्ड ही दिखाना है, रोल नेम टोट मार्क्स और अटेंडेंस, यही चार दिखाना है और इससे ज्यादा है मेरे डेटाबेस में, तो अब तुमको यूज करना पड़ेगा फील्ड क्लॉज यूज करना पड़ेगा, और फील्ड क्लॉज के बाद तुम वो फील्ड का नाम कॉमा दे दे के लिख दोगे तो हो जाएगा। लेकिन हमको फील्ड, हम तो नहीं फील्ड बोले, हमको क्या करना है, रिकॉर्ड फिल्टर करना है, रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड एकदम सिंपल। तुम एकदम कोई लॉजिक मत लगाओ, तुम सिर्फ ये बताओ कि ऐसा ही अगर तुमको शीट पे लिखा हुआ हार्ड कॉपी में दे दे और तुमको हम बोले कि वैसा वैसा रिकॉर्ड चुनना है जिसमें जिसका 80% ज्यादा और 90% ज्यादा अटेंडेंस हो, तो तुम क्या करोगे, हर रिकॉर्ड में जाओगे, उस दो फील्ड के डेटा को इवैल्यूएट करोगे है कि नहीं है। सॉफ्टवेयर भी यही करेगा, सॉफ्टवेयर यही करेगा, उसको लिखना क्या पड़ेगा हमको, डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले और लिस्ट ब्राउज, दो तीनों में जो कोई कमांड यूज कर दो, ठीक है। इसके बाद फॉर क्लाउज, फॉर टोट मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे और मार्क्स देंगे हम 80, तो एक कंडीशन बन गया ना, टोट मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 एक कंडीशन है। ये कंडीशन हर रिकॉर्ड में ट्रू तो नहीं हो सकता, उस रिकॉर्ड में ट्रू होगा जहां सही में उसका टोट मार्क्स 80 है या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तुम अगर इस रिकॉर्ड को पढ़ रहे हो और इस पे टोट मार्क्स 70% है तो क्या तुम उसको कंसिडर करोगे, नहीं कंसिडर करोगे, आगे बढ़ जाओगे, चूंकि क्यों, क्योंकि कमांड में दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, 80% तुमको देखना पड़ेगा। साथ में एक और कंडीशन दिया गया, वो क्या, अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। दोनों कंडीशन पे हमको फिल्टर करना था, ठीक है। फिल्ड क्लॉज तो बहुत आसान है, फिल्ड क्लॉज में तुमको कुछ याद रखने वाला समझने वाला लॉजिक वाला चीज नहीं, फिल्ड लगा के फील्ड का नाम देना है। फॉर क्लॉज में हमको एक्सप्रेशन क्रिएट करना है बेस्ड ऑन सम फील्ड, बेस्ड ऑन
एनी फील्ड अगर तुम कोई भी फील्ड है लगा लो, उस फील्ड के आधार पे, एक मिनट, ओके, तो उस फील्ड के आधार पे हमको एक्सप्रेशन क्रिएट करना है और हर रिकॉर्ड पे फॉक्सपुर जाएगा, उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कराएगा और जहां जहां वो एक्सप्रेशन ट्रू होगा वो रिकॉर्ड को कंसिडर किया जाएगा आउटपुट के लिए। क्लियर है? अब समझ में आ गया बात? अच्छा, अब एक काम करो, यही सेम प्रॉब्लम है जो भी दिए तुमको, इसमें अब ऐसा है कि रोल नेम, टोट मार्क्स और अटेंडेंस, ये चारों फील्ड देखना है और उसका उसका देखना है, जिसका अटेंडेंस 90 या उससे ज्यादा, टोट मार्क्स 80 या उससे ज्यादा। अब बताओ, तुम बताओ। स्टूडेंट नेम क्यों लिखेंगे? हमको कैसे पता कि इतने स्टूडेंट में किसका अटेंडेंस 90 से ज्यादा है? कैसे पता हमको? पूरा कमांड बताओ ना। तुम बताओ, पहले कमांड बताओ। लिस्ट ले रहे हो, ब्राउज ले रहे हो, डिस्प्ले ऑल ऑफ, क्या ले रहे हो? लिस्ट ले रहे हो, लिस्ट के बाद अगला वर्ड क्या लिखोगे? हम बोले चार फील्ड दिखाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले चार फील्ड सेलेक्ट करते हैं, तो लिस्ट हो गया, लिस्ट के बाद लिखेंगे चार फील्ड, उसके लिए फील्ड क्लॉज लगाएंगे ना, तो लिस्ट फील्ड, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा अटेंडेंस कॉमा टोट मार्क, ये चार हो गया। अब फॉर क्लॉज लगेगा, फॉर रोल टोट मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 90% डॉट एंड डॉट अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। अभी भी नहीं समझ में आती मेरे को। तुम बोल रहे हो कि सीधे परसेंटेज लगा देंगे, समझ में नहीं आ रहा बात। हम अगर कोई सवाल पूछे ना तो एग्जैक्टली वैसा कमांड बताना है जो लिखे तो रन कर जाए, वो कमांड बताना है तुमको, एक्सप्लेन नहीं करना है उसको। हम बोले कि ऐसा करना है, ऐसा सिचुएशन है और ऐसा आउटपुट चाहिए हमको, क्या करेंगे? तो सीधे बताओ कमांड ऐसा लिखेंगे। ओके अर्पित, कुछ बोलना चाह रहे हो? यस सर, बोलना है ना सर, हम लोग को बैच 2 में से सर कल बैच 1 में शिफ्ट किया गया, तो सर हम लोग का रिकैप नहीं होगा सर। तो वही तो, तुम्हारा ही बैच चल रहा है, तो तुम लोग को जो पढ़ा रहे वही यहाँ ही पढ़ा रहे हैं। तो सर ये तो सिलेबस आगे ना इन लोग का, उन लोग का सिलेबस आगे तो उन लोग का रिविजन हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, तुम लोग जो पढ़ रहे वही पढ़ेंगे। सर बैच 1 में तो सिलेबस आगे है ना इन लोग का। सुनो मेरा बात, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बैच 1 का सिलेबस आगे है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं वही जो सिलेबस तुम लोग का था, तो बैच 1 वाले का रिवीजन हो रहा है अभी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो लोग एक महीना पहले। यस सर। समझ में आ रही बात? हम में सर आप फॉर क्लास तक पढ़ाए थे परसों। हाँ तो वही तो फॉर क्लास डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है, उसके लिए तुम टेंशन मत लो, वही हो रहा है, ठीक है। फॉर क्लास यह था, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का था डिलीट, नेक्स्ट टॉपिक था डिलीट, कैसे डिलीट करेंगे? क्या हमको फॉर क्लॉज और फिल क्लॉज एग्जीक्यूट करके दिखाना है क्या? दिखा चुके फिर दिखा दे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एकदम। हैंड डाउन कर लो अर्पित। देखो BCA1 में 13 रिकॉर्ड है, तो चलो BCA1 यूज करते हैं। BCA1 ओके। अब यहां पे देखो एक बार हम लोग ब्राउज करें, रोल नंबर है, नेम है, सिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल, इतना सारा है ना, बहुत सारा है। ओके अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं हम लोग की ब्राउज करें या फील्ड करें, ब्राउज करते हैं, कुछ भी करोगे एक ही बात है, ब्राउज फील्ड्स, रोल नेम
कॉमा परसेंटेज था, टोटल था, क्या था? टोटल था, ठीक है। देखो ये तीन दिए, तीन दिख रहा है, बाकी सब हट गया, तीन दिख रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा अब हम लोग, अब फील्ड क्लॉज समझ में आ गया, फील्ड क्लॉज। अब फॉर क्लॉज देखते हैं हम लोग, अलग अलग देखेंगे। फॉर ब्राउज फॉर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 150, ठीक है। तो यहां पे देखो 150 से जितना बड़ा वाला है सब दिख रहा है, टोटल पे हम लोग फिल्टर कर दिए, टोटल के आधार पे पूरा रिकॉर्ड फिल्टर हो गया, पूरा डेटाबेस फिल्टर कर लिए, ओके। लेकिन यहाँ पे चूंकि फील्ड क्लॉज नहीं लगाए थे, इसे दिख रहा है सब, सारा फील्ड दिख रहा है। अगर हम इसी दोनों को कनेक्ट कर दे, क्या कर दे कि लिस्ट यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो था, इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, फील्ड क्लॉज फॉर क्लॉज एक साथ अप्लाई हो गया, और 150 से ऊपर वाला, 150 से उससे ऊपर वाला टोटल मैक्स का सारा रिकॉर्ड दिख रहा है, बता रहे होल्ड। यहां तक समझ में आया, फील्ड क्लॉज से तीन फील्ड फिल्टर किए और ग्रेटर देन इक्वल टू 150 से रिकॉर्ड फिल्टर कर लिए, कोई दिक्कत, ओके। ऐसा करो कि इसको इस कमांड को ध्यान से देखो, ये तीनों कमांड को, और इसको मेमोराइज करो, समझो इसको क्या लिखा गया है। अगर हम ब्राउज की जगह पर लिस्ट करें तो ये सेम काम होगा, सेम काम होगा। फील्ड क्लॉज वैसा ही है, फॉर क्लॉज वैसा ही है, जैसा कि ब्राउज के साथ काम कर रहा है वैसा ही उसके साथ भी काम करेगा, डिस्प्ले ऑल के साथ भी काम करेगा, ठीक है। एंड कब लगाते हैं, एंड तब लगाएंगे जब एक से ज्यादा होगा कंडीशन, कंडीशन तो एक ही है ना, टोटल 150 से ज्यादा, एंड कहां लगाएं बताओ, एंड तो कहीं लगाने की स्थिति है नहीं, हमको एंड तब लगाना होगा जब हमको एक और कंडीशन के आधार पर फिल्टर, एक से ज्यादा कंडीशन पे फिल्टर करना है, तब एंड लगाएंगे, ठीक है। देखो इसमें कोई एक से ज्यादा कंडीशन वाला कुछ है क्या सर? डॉट एंड डॉट ना सर, की एंड सिर्फ क्या सर? डॉट एंड डॉट ना, एक मिनट नहीं समझ में आया क्या तुम बोल रहे हो? आप बोल रहे हैं एंड डॉट एंड डॉट ना, हाँ डॉट एंड डॉट, तो एंड ही बोल रहे हैं उसको, लगाने का तरीका है डॉट के बाद लगाएंगे, ठीक है। देखो ब्राउज, ब्राउज में मतलब, अच्छा सिटी है ना, सिटी है, सिटी के आधार पर कर लेते हैं, ठीक है। तो सिटी में पटना है, सासाराम, गया, गोपालगंज, मोतिहारी, पटना ही लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फॉर टोटल 150 से ऊपर हो गया, एंड डॉट सिटी ग्रेटर इक्वल टू सिटी बराबर पटना, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे, देखो यहाँ कुछ लगा गया है, गलती टाइप हो गया है, टोटल 150, ठीक है, और यहाँ सिटी बराबर, सिटी ग्रेटर देन पटना कैसे दिखोगे, है ना, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसका 150 से ज्यादा और पटना का नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, हाँ लेस देन कर देंगे तो आ जाएगा, अच्छा ओ ठीक है, तो आ गया। तो पटना के तीन लोग थे, पटना के दो लोग हैं जिनका 150 से ज्यादा है और सिटी पटना है। लेकिन देखो सिटी पे हम लोग एक्सप्रेशन जरूर इवेलुएट किए हैं, लेकिन सिटी में है नहीं, मतलब जिस फील्ड पे हम फॉर क्लॉज का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, दैट नीड नॉट टू बी इन फील्ड क्लॉज, जरूरी नहीं कि उसको फील्ड क्लॉज में हम लोग रखे ही, समझ में आ रही बात। अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को फॉर क्लॉज फील्ड क्लॉज में,
क्योंकि बहुत सारा कमांड है हमारा जो फील्ड और फॉर, स्पेशली फॉर पे मेरा अप्लाई होगा, तो इसलिए फॉर को बहुत अच्छे से देख लो। ठीक है, चलो अब आते हैं डिलीट के लिए। डिलीट कमांड, जैसा कि नाम से तुमको लग रहा हैगा कि हमको रिकॉर्ड डिलीट करने के काम आएगा, तो डेटाबेस में जब हम अपेंड करके डेटा इंटर कर रहे हैं, गलत होने पे उसको एडिट कर रहे हैं, और हमको आवश्यकता नहीं है अगर उस रिकॉर्ड का, उस इंफॉर्मेशन का, उस डेटा का, तो हम क्यों ऑक्यूपाई करेंगे मेमोरी, मेमोरी या स्टोरेज क्यों ऑक्यूपाई करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, और डिलीट करना जो सबसे कॉस्टली ऑपरेशन है, इन द सेंस ऑफ कि हम डिलीट अगर करेंगे कोई चीज तो इन्फॉर्मेशन हम लूज कर सकते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लूज, और ये जब हम इसको डिलीट कर देंगे तो वो हमारा रिकवर नहीं होगा, वो डेटा अंडू जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अंडू करके उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए डिलीट को दो चरणों में करेंगे, दो प्रोसेस है, दो स्टेप है जिसमें हम लोग उसको डिलीट करेंगे। पहला वाला काम जो है डिलीट करने का, डिलीट जब करते हैं तो क्या होता है, जिस रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं फॉक्सप्रो उस रिकॉर्ड को मार्क कर लेता है कि ये डिलीटेड है या इसको डिलीट करना है, मार्क करके रखेगा लेकिन डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, डिलीट कमांड से क्या होगा, द रिकॉर्ड मार्क फॉर डिलीशन। ठीक है, ओके, तो हम मान लो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए मार्क कर दिए, और बाद में उसको डिलीट कैसे करें, हम चाहते हैं परमानेंटली डिलीट हो जाए, क्योंकि अगर डिलीट मार्क भी हो गया तो डेटाबेस पे तो है ना, लिस्ट ब्राउज सब में दिखेगा हमको, हम उसको हटा देना चाहते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो डिलीट कमांड मार्क द रिकॉर्ड टू डिलीट विच इज फाइनली डिलीटेड बाय द पैक कमांड, गो टू 5 डिलीट, गो टू 6 डिलीट नेक्स्ट 5। ठीक है, नेक्स्ट मेरा स्कोप है, तो हम रिकॉर्ड नंबर 6 पे गए, वहां से लिखे डिलीट नेक्स्ट 5, तो वहां से नेक्स्ट 5 5 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट रिकॉर्ड को फाइनली हमको डिलीट कर देना है, उसके लिए नया कमांड है मेरा पैक कमांड। हाँ पूछो, हाँ छोड़ देगा उतना ही, जितना नहीं काम करता है, खराब है, फैन बंद कर दो, आवाज जाएगा, बहुत कसके बोल रहे हैं, तुमको आवाज सुनाई देगा। ठीक है, तो जब डिलीट कमांड जब यूज किए तो क्या हो गया, डिलीट कमांड से मेरा सारा का सारा रिकॉर्ड मार्क हो गया डिलीट, डिलीशन के लिए। अब उसको फाइनली हम चेक कर लिए, अच्छा ये रिकॉर्ड हम डिलीट करने वाले हैं, अब हम जब कंफर्म हो गए कि ये डिलीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, हम कोई प्रीशियस इंफॉर्मेशन लूज नहीं करने जा रहे हैं, तब हम लिखेंगे पैक। पैक कमांड के साथ कोई और आर्गुमेंट पैरामीटर, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं देना है। पैक कमांड क्या करेगा, जो पहले से डिलीटेड डिलीशन के लिए मार्क्ड रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर देगा। समझ में आया, जो पहले से डिलीशन के लिए मार्क किया गया है उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, आवाज आ रहा है ना पीछे जी, उसे पूछो। ठीक है, बात नहीं करोगे तो सुनाई देगा। अब रहा बात कि हम डिलीट तो कर दिए, अभी डिलीट कमांड से डिलीट किए और पैक करने ही जा रहे थे तो कि हमको पता चला कि इसमें कुछ रिकॉर्ड ऐसा है जो मेरे काम का है, उसको डिलीट नहीं करना है। अब हम क्या करें, अब उसको तो हम डिलीट मार्क कर दिए हैं, अगर हम पैक कॉल कर लेंगे तो बाकी सब के साथ उसको भी हो जाएगा ना, तो अब क्या करें, तो उसको वो मार्क हटा दें, अगर डिलीशन मार्क जो लगा हुआ है वो मार्क हट जाएगा तो पैक कमांड उसको डिलीट नहीं करेगा, तो वो डिलीशन मार्क हटाने के लिए जो कमांड है मेरा वो रिकॉल। ठीक है, तो रिकॉल कमांड इज यूज टू अनडिलीट ऑल द रिकॉर्ड विच वॉज डिलीटेड बाय डिलीट कमांड। रिकॉल कमांड वर्क्स ओनली व्हेन पैक कमांड इज नॉट यूज्ड। अगर तुम पैक कमांड यूज कर लिए
तो जितना तुम मार्क किए थे डिलीशन के लिए वो सब हवा हो गया। ठीक है, अब रिकॉल कमांड कोई काम का नहीं है। रिकॉल तभी तक था जब तक वो कमांड, वो रिकॉर्ड डिलीशन डिलीटेड मार्क था, वो मार्क को हटाने का काम था रिकॉल का। ठीक है, तो डिलीट, पैक और रिकॉल, ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये सवाल ही अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड पैक, व्हाट डिफरेंस बिटवीन डिलीट पैक एंड रिकॉल। ठीक है, बहुत आसान है, हमको इसमें से टारगेट कर रहे हैं कि कौन कौन लड़का बदमाश है उसको मार्क्स मार्क्यू में नहीं देना है, सपोज करो, या वैसा कौन कौन सा लड़का है जिसको मार्क्स देना है, तो हम इसको इसको उसको उसको चुन लिए और हम लिस्ट बना लिए कि इसको 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 इस लड़का अच्छा है, बहुत ओबीडियंट लड़का है, इसको मार्क्स अच्छा देना है। ठीक है, जाहिर है अच्छा जवाब देगा तभी, अच्छा मंगनी में नहीं दे देंगे, लेकिन तब तक हमको लग गया कि नहीं तो बदमाश है, तो अपने लिस्ट में से इसका नाम काटेंगे ना, इसका नाम काटेंगे, तो नाम काटने का काम करता है रिकॉल। ठीक है, पैक क्या करेगा, जितना को मार्क किए सबको डिलीट कर देगा, डिलीट क्या करेगा, मार्क करेगा। ओके, जैप कमांड, क्या है जैप कमांड बताओ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जिसे मुझे बताएगा सर। अब देखो सर, हाँ बढ़ जाओ, डिलीट और पैक तो समझ में आ गया, एक कमांड ऐसा चाहिए था जो बहुत बहुत बड़ा बड़ा डेटाबेस है उसका सारा रिकॉर्ड एक झटके में हमको सारा रिकॉर्ड खत्म कर देना है, डेंजरस कमांड है, फाइल को नहीं डिलीट करेगा, डिलीट कमांड डिल कमांड तो डॉस का कमांड है, यहाँ का नहीं ना है, वो तो डिलीट करते ही हम लोग ना, डिल कमांड इज नॉट फॉक्सट्रो कमांड, इट इज डॉस 6.22 कमांड। ठीक है, अब देखो जैब कमांड क्या करेगा, जैब कमांड में मान लो लिखे यूज स्टूडेंट और उसमें 10,000 रिकॉर्ड है, 10,000 रिकॉर्ड है। ठीक है, और हमको सबको डिलीट करना है, सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मान लो पूरा डेटाबेस खाली करना है, तो हमको अगर हम क्या करेंगे तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे डिलीट, तो डिलीट क्या लिखना पड़ेगा, डिलीट ऑल लिखेंगे, तो डिलीट तो एक रिकॉर्ड पॉइंटर रहेगा वहीं डिलीट होगा, तो सबको डिलीट करेंगे तब पैक करेंगे तब सब रिकॉर्ड जाएगा मेरा, लेकिन हमको अगर पूरा डेटाबेस सारा रिकॉर्ड खत्म करना है और हम डिसाइडेड है तो हमको इतना काम करने की जरूरत नहीं, सीधे लिखना है जैप, ZAP जैप। ठीक है, जैब क्या करेगा कि उस डेटाबेस का सारा रिकॉर्ड, उसके बाद तुम देखोगे स्टेटस बार में दिखेगा नन रिकॉर्ड, नन। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस कमांड है, नॉर्मली इसको यूज करने का सलाह नहीं दिया जाता है, क्या है कि रिकवर नहीं हो पाएगा, अगर गलती से अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटाबेस का अगर डेटा तुम डिलीट कर दिए तो वो रिकवर नहीं होगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा सर। ठीक है सर, वो तो ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं, वो तो ओपन करके रखे हुए ना, मतलब कि तुमको वर्ड फाइल में कुछ काम करना है, वहां कुछ डिलीट करना है, वहां कुछ वर्ड ऐड करना है या एक पैराग्राफ ऐड करना है, तो तुम वर्ड फाइल खोल कर रखोगे ना, तो जितना काम बताया फील्ड फॉर लिस्ट ब्राउज डिलीट, उसके पहले तो यूज कमांड से फाइल खोले हुए हैं, फाइल तो खुला हुआ है मेरा, है ना, फाइल खुला हुआ है उसके बाद लगा रहे हैं। यस अर्पित सर, सर सपोज हम लोग के पास दो तीन डेटाबेस अगर तैयार है तो सर जैप करेंगे तो टोटल डेटाबेस का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा? नहीं, जो डेटाबेस ओपन रहेगा उसी का। अच्छा सर, मतलब जिस पे वर्क हो रहा है। हाँ, यूज कमांड के साथ जिस डेटाबेस को ओपन किए हो सिर्फ उसी का रिकॉर्ड डिलीट होगा, बाकी जो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है वो तो ओपन ही नहीं है, उसका कैसे डिलीट होगा? यस सर, यहाँ लिखा है रिकॉर्ड ऑफ एनी डेटाबेस। हाँ, जैप कमांड यूज टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी डेटाबेस, एनी डेटाबेस कहने का मतलब किसी डेटाबेस को तुम यूज करके ओपन करो, जैप करो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा, उसके बाद है लोकेट कमांड, लोकेट का कहने का मतलब क्या, किसी चीज को खोजना, किसी चीज को
जो कोई चीज कहीं कहां पे है वहां पहुंचना है ना, उस लोकेशन पे पहुंच जाना उसको बोलते हैं लोकेट करना। तो अगर मान लो हमको कोई रिकॉर्ड लोकेट करना है पूरे डेटाबेस में, एक खास नाम खोजना है, तो हम कैसे खोजेंगे, कैसे खोजेंगे? उसके लिए कमांड है लोकेट। तो लोकेट कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो लोकेट कमांड सर्चेज द फील्ड विच स्टार्ट विद द सर्च इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं लोकेट फॉर नेम बराबर राज, नेम क्या है, नहीं नेम यहाँ कमांड में जो नेम वो क्या है, फील्ड का नाम है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसा डेटाबेस ले लेना उस नेम नाम का फील्ड नहीं हो और ये कमांड तुम रन करा रहे हो, ठीक है। अगर मान लो प्रोडक्ट होगा तो हम प्रोडक्ट में सर्च करेंगे ना, प्रोडक्ट में हम रंजय संजय मोहित तो नहीं खोजेंगे, वहां बिस्किट और सर्फ खोजेंगे, ठीक है। तो ले जो लोकेट है, लोकेट फॉर नेम बराबर राज, राज चूंकि हमारा करेक्टर है इसे डबल कोर्स में दिया गया है, ठीक है, करेक्टर कांस्टेंट है मेरा, वेरिएबल नहीं है, सो दैट इसीलिए हम उसको डबल कोर्स में दिए हैं। अब देखो क्या होगा, डेटाबेस ओपन किए, यूज स्टूडेंट, डेटाबेस खुल गया, 100 रिकॉर्ड है उसमें, 100 ज्यादा हो जाएगा, कम मानते 10 रिकॉर्ड है मान लो, ओनली 10 रिकॉर्ड आर देयर, और हम लिखते हैं लोकेट फॉर नेम इक्वल टू डबल कोट्स में राज, आर ए जे से शुरू होने वाले सारे नाम को लोकेट कर लेगा, मतलब राजकुमार, रजनीश, रजनी, राजेश, एवरी नेम विच इज स्टार्ट विच स्टार्ट विद आर ए जे, ठीक है, लोकेट कर लेगा। क्या लोकेट करके क्या करेगा, सारा नाम शो कर देगा, नहीं शो करेगा, उसको हम लोकेट करने के लिए बोले हैं, दिखाने के लिए नहीं बोले हैं, दिखाने के लिए नहीं बोले हैं। तो पहला देखो क्या करेगा, पहला नंबर रिकॉर्ड पॉइंटर से चलेगा, देखे इसमें राज है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ अच्छा हाँ मिल गया, यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा और तुमसे हुक्म मांगेगा, क्या हुक्म है मेरे आका, खुद लिए वो लोकेट आपका, ठीक है। तो तुम भावनाओं को समझोगे, बोल रहा है ऐसा, तुम इंटरनली तुमको समझ में आएगा कि ऐसा बोल रहा है, तो तुम उसको बोलोगे दिखाओ क्या खोजे हो। उसके लिए कमांड क्या है, एक रिकॉर्ड देखने का कमांड क्या है, डिस्प्ले। जैसे डिस्प्ले करेंगे तो वो रिकॉर्ड जहां पहला वाला रिकॉर्ड जहां लोकेट हुआ दिख जाएगा, ऐसा रिकॉर्ड और भी तो लोकेट हुआ होगा। अब उसको बोलेंगे क्या हुक्म है मेरे आका, तो बोले अब दूसरे का लोकेट पे जाओ, उसके लिए कमांड क्या है, कंटिन्यू। हम बोलेंगे कंटिन्यू तो वहां से फिर लौट के नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा, नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट लोकेट पे। ये तीसरा रिकॉर्ड था, चौथा राज नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा है, छठा में लिखा हुआ है रजनीश, तो वहां रुक गया आके, फिर डिस्प्ले दिखा दिया कंटिन्यू, फिर नेक्स्ट चला गया, इस बार लिखा हुआ था रजनी, रजनी, फिर डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले दिखाएगा, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पे चला जाएगा। चार रिकॉर्ड लोकेट हुआ था, यहाँ पहले रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ आके रुक गया रिकॉर्ड नंबर 3 पे, डिस्प्ले किए तो दिखा दिया, कंटिन्यू किए तो आ गया, यहाँ पहुंचा, फिर डिस्प्ले किए तो यहाँ दिखाया, ध्यान दो, डिस्प्ले किए तो दिखाया, कंटिन्यू किए तो यहाँ चला गया, डिस्प्ले किए तो दिखाया, कंटिन्यू किए तो यहाँ चला गया, डिस्प्ले किए तो दिखाया, कंटिन्यू करे तो अब कहाँ जाएगा, अब तो लोकेट है नहीं, चार ही लोकेट था, राज नाम से शुरू होने वाला मात्र चार रिकॉर्ड ही था, तो चारों दिखा दिया, चार के बाद बोले कंटिन्यू, तो क्या बोलेगा कि एंड ऑफ लोकेट स्कोप, मतलब लोकेट खत्म हो गया, लोकेट में इतना ही था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, डिस्प्ले देखने के लिए लोकेट नेक्स्ट पे जाने के लिए, कंटिन्यू करते चले जाओगे वो अगला अगला तुमको स्टेटस बार में दिखता रहेगा कौन कौन सा कहाँ, नहीं उसको नहीं खोजेगा लोके, हाँ बताएंगे उसको भी। लोकेट कमांड जो अभी हम लोग देखे हैं, लोकेट फॉर राज, नेम बराबर राज, तो नेम फील्ड में राज से शुरू होने वाला, नहीं उसको नहीं ढूंढेगा, उसको नहीं ढूंढेगा, उसका कमांड भी बताएंगे तुमको, लेकिन ये कमांड जो है स्टार्टिंग राज वाला कमांड है, समझ में आ रही बात, ओके। अगर हम लिखते लोकेट फॉर नेम बराबर रजनी, तो रजनी को खोजता, रजनीकांत को भी खोज लेता है ना, रजनीश को भी खोज लेता, ठीक है।
तो जो हम देंगे डेटा, उस डेटा नेम के पहला में वो सारा का सारा अल्फाबेट होना चाहिए, सबको पूछ लेगा, सबको लोकेट कर लेगा। ओके, कंटिन्यू इज द काउंटर पार्ट ऑफ द लोकेट कमांड। अगर लोकेट तुम कमांड यूज नहीं किए हो और कंटिन्यू कमांड यूज करोगे तो तुमको एरर मैसेज आएगा कि कंटिन्यू विदाउट लोकेट, लोकेट किए नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। लोकेट कमांड, फर्स्ट लोकेट ऑल द सर्च रिकॉर्ड एंड मूव द पॉइंटर टू द फर्स्ट रिकॉर्ड। वी कैन यूज डिस्प्ले कमांड टू व्यू द रिकॉर्ड। नाउ टू मूव द पॉइंटर टू नेक्स्ट लोकेट, कंटिन्यू कमांड इज यूज। कंटिन्यू कमांड जस्ट मूव द रिकॉर्ड पॉइंटर टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड नंबर। ठीक है, क्लियर? तो पता है कि क्लियर द स्क्रीन। ओके, क्लियर लिखना है तो क्लियर स्क्रीन। रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल, इसके बारे में हम बताएंगे तुमको। उस दिन लैब में हम लोग किए थे रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। बैच टू का जब लैब हम एक दिन करवा रहे थे तो वहां टोटल मार्क्स के लिए बोले थे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ को रिप्लेस करने के लिए। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी सबसे पहले हम तुमको डिलीट करके दिखा दे, डिलीट पैक और रिकॉल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ देखो, ब्राउज करते हैं, ब्राउज करते हैं तो यहाँ पे कोई मार्क नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो हम एक काम करें, हम किसको डिलीट कर दें, हम मान लो रिकॉर्ड नंबर, किसी रिकॉर्ड नंबर पे जाते हैं, रिकॉर्ड नंबर 1 पे तो ऑलरेडी हैं हम लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं 5, गो टू 5, या 5 लिखोगे तब भी गो टू 5 रन कर जाता है। तो 5 नंबर रिकॉर्ड पे चले गए होंगे, लिखते हैं डिलीट। ठीक है, अब यहां देखो, ये डॉट देख रहे हो, दिख रहा हो ना, ये रिकॉर्ड नंबर 5 है, ये डिलीट के लिए मार्क हो गया है। ओके, अच्छा, एक रिकॉर्ड और हम करते हैं, उसके बाद और बात करेंगे। अब 5 के जगह पे हम आ जाते हैं रिकॉर्ड नंबर 8 पे और लिख देते हैं डिलीट। ठीक है, तो दो रिकॉर्ड डिलीट हो गया ना। अब यहां देखो, इसको बंद कर देते हैं। अब हम लिस्ट करते हैं, देखो लिस्ट। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये देख रहे हो स्टार मार्क का, 5 नंबर और 8 नंबर, ये है ना डिलीशन मार्क, ये है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि वापस 8 नंबर पे जाते हैं और रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर लिस्ट करते हैं, देखो सिर्फ 5 पे रह गया, 8 वाला हट गया, हट गया ना। अब मान लो 5 वाला क्या था, अंकुर सिन्हा, एक बार ब्राउज खोलते हैं तो ज्यादा अच्छा पता चलेगा। 5 नंबर पे था रोल नंबर 3 अंकुर सिन्हा। ठीक है, यहां कर देते हैं पैक। फिर ब्राउज खोलो, रोल नंबर 3 अंकुर कुमार गायब हो गया, वो डिलीट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ राज है, यहाँ राज है, यहाँ राज है, एक और नाम किसी को लिख देते हैं इसको। ठीक, राजेश कुमार। ठीक है, हाँ अर्पित सर, ब्राउज बार बार करना होगा तो डेटा देखने के लिए तो ब्राउज कमांड यूज करोगे ना, बंद कर दोगे तो फिर तो खोलना पड़ेगा ना। यस सर, ब्राउजर बंद कर देते हैं हम लोग, गूगल क्रोम तो फिर ओपन करना पड़ता है ना। तो सर लिस्ट भी तो कर सकते हैं ना, लिस्ट भी कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। ओके सर, ठीक है। लिस्ट में था क्या कि हम लोग के पास ये जो नंबर ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा था, तो लास्ट वाला जब टर्नकेट होके नीचे आ जाएगा तो ये हो सकता है कि यहाँ पे विजिबिलिटी ना मिले, स्टूडेंट को पता ना चले ये मेमो है इधर, इसीलिए ब्राउज कर किए। यस सर, ब्राउज तुम्हारी मर्जी, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम कर सकते हो। ओके सर, ओके ओके। तो हम लोग क्या किए, भी हम लोगों ने राज, राजकुमार, राजेश तीन डेटा ऐड किया है, तो हम लोग लिखते हैं लोकेट। अच्छा एक मिनट, हम इसको स्टेटस ऑन है, इसको सिर्फ और ट्रांसफर ऑटो हाइड हो जाएगा तो हमको दिखेगा।
ओके लिखे हैं, पहले एक नंबर पे आ जाओ, अच्छा एक नंबर पे ऐसे भी आ जाता, लोकेट फॉर नेम बराबर राज, ठीक है। देखो पहला रिकॉर्ड 8 नंबर पे आके रुका, रुका ना यहाँ पे 8 नंबर पे, ठीक है। डिस्प्ले करेंगे तो क्या आएगा, रिकॉर्ड दिख गया, दिख गया ना, यहाँ पे लिख देते कंटिन्यू, जो खाली स्टेटस बार में देखना, कंटिन्यू कंटी हो गया, 4 हो गया, तो 9 नंबर पे आ गया, 9 नंबर पे डिस्प्ले कराओ, फिर कंटिन्यू करेंगे, आ रहा है ना, फिर हम लोग कंटिन्यू कर दे तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, जो कमांड है वहां जाकर भी हम लोग, रिकॉर्ड नंबर 12 पे आ गया, फिर डिस्प्ले करा लो, ठीक है। फिर कंटिन्यू कर लेते हैं, एंड ऑफ लोकेट स्कोप, मतलब जितना हम लोकेट किए थे सारा दिखा दिए, अब नहीं मेरे पास, ठीक है, ओके, टाइम हो गया है ना, ओके। यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो पीछे पीछे से, हाँ ऑल करेंगे तो डिस्प्ले ऑल, नहीं 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 देखो एक रिकॉर्ड देखने के लिए एक रिकॉर्ड देखने के लिए क्या कमांड था, डिस्प्ले, हमको सिर्फ उसी रिकॉर्ड को दिखना है जहां रिकॉर्ड पॉइंटर है, लोकेट को छोड़ दो, लोकेट सुनो बता रहे हैं, लोकेट को छोड़ देते हैं, हम आते हैं ऐसे एक नंबर दबे ना, रिकॉर्ड पॉइंटर आ गया एक नंबर पे, देखो स्टेटस बार में वन आ रहा है, ठीक है, हम लिखे डिस्प्ले, रिकॉर्ड नंबर 1 दिखेगा हमको, रिकॉर्ड रिकॉर्ड नंबर 5 पे चले आए, डिस्प्ले करेंगे तो रिकॉर्ड नंबर 5 दिख जाएगा, डिस्प्ले ऑल कर देंगे तो पूरा दिख जाएगा। लोकेट लोकेट क्या कर रहा है कि हर उस लोकेटेड कमांड पे जो रिकॉर्ड पॉइंटर है उसको पहुंचा दे रहा है, और डिस्प्ले कमांड उसको डिस्प्ले करा दे रहा है, कंटिन्यूस उसको नेक्स्ट लोकेट पे भेज दे रहा है, नहीं नहीं डिस्प्ले ऑल करोगे तो पूरा ना दिखेगा, लोकेट लोकेट एक बार में एक ही, ओह समझा नहीं रहे हो, लोकेट में 4 रिकॉर्ड है ना, तो पहली बार में एक ही रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता है, कंटिन्यू करेंगे तब वो दूसरे रिकॉर्ड के पास जाएगा, कंटिन्यू करेंगे तब वो तीसरे रिकॉर्ड के पास जाएगा, तो डिस्प्ले ऑल से क्या फायदा, हाँ तो फर्क तो बताए ना, बताए ना, तो फॉर क्लॉज की तरह हम लोग लोकेट को भी यूज करेंगे, अगले क्लास में उसको बताएंगे कि सारा का सारा राज एक साथ कैसे दिखेगा, ठीक है, और अगर राज बीच में भी हो तब कैसे देख सकते हैं, ये तो स्टार्टिंग वाला, तुम लोग ये अभी तुम लोग का रिवीजन चल रहा है, इन लोग का अभी वहीं तक हुआ है वास्तु का, इसीलिए वहां से हुआ, ओके। कैसी करो कॉलम, ओ स्ट्रक्चर वाला तुम क्लास नहीं किए हो, क्रिएट वाला तो क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो क्रिएट डेटाबेस में हम लोग क्या किए थे बताओ, क्रिएट में क्या लिखे थे हम लोग, फील्ड नेम उसका डेटा टाइप फील्ड लिख रहे थे ना, तो फिक्स कैसा रहता, रोल नंबर में 3 दिए, नेम में 15 दिए, बैच में 5 दिए,